गुड मॉर्निंग। हमारा दिल हमारे लिए कितना जरूरी है ये भी तो बताना जरूरी था, इसलिए ऑब्वियसली मुझे वापस आना पड़ा एक लास्ट पार्ट। होपफुली आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जैसे वो क्लास में इंजॉय करते थे होपफुली इस वीडियो को भी वो इंजॉय करेंगे। ओके, सो दिल जो हमारा रेगुलर धड़कता है, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब दिल से ही रिलेटेड है, ठीक है, बट एक्चुअली वो सब ब्रेन से कनेक्टेड है, वो भी मैंने आपको बता दिया था, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। बट क्या है कि हाँ, दिल से पूरी बीमारियाँ है ना। आप आए दिन जैसे मैं न्यूज़पेपर में जैसे पढ़ रही हूँ, 24 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया। यार 24 साल का लड़का यार कितना छोटा होता है, मतलब और ना तो उसकी लाइफ यूँ कह सकते हैं उसकी लाइफ स्टार्ट भी नहीं होती। तो 20 साल 24 साल के बच्चों को आजकल हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। हार्ट अटैक आता क्यों है आपको पता ही होगा, हाइपरटेंशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लगते हैं, उसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल होती है वो पूरी चेंज, रात में जागना, दिन में सोना, अच्छी डाइट ना लेना, बहुत सारा पिज्ज़ा बर्गर खाना। वैसे आप मुझे पता है मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते हैं, क्योंकि मैंने उनको पहले ही उसके साइड इफेक्ट्स बताए हुए हैं, और जो दूसरे हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो पिज़्ज़ा बर्गर पे बना दूंगी। बट मैं नहीं कह रही कि कभी मत खाओ, ऑब्वियसली कभी कभी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेगुलरली अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, चाहे आप नॉर्मल रोटी सब्जी भी खाएं, तो हार्मफुल हो सकती है, डिपेंड करता है वो कैसे बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप बाहर अगर हॉस्टल में रहते हैं तो अपने आप बनाना सीख लें तो ज़्यादा बेटर है, बाकी आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा जानते हैं अपने बारे में। ओके, सो जैसे हमारी कोलेस्ट्रॉल है ना, तो बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको पता है। गुड कोलेस्ट्रॉल इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के केस में वो हमारे जो आर्टरी वॉल होती है उसमें डिपॉजिट होता रहता है, और जिसकी वजह से लास्ट हार्ट अटैक भी आ जाता है। बट मैंने आपको पहले भी कहा था एक वीडियो जो अलग से वीडियो पढ़ाई वाली नहीं है, कि लाइफ इज ऑल अबाउट द हैप्पीनेस एंड स्माइलिंग है ना। तो अगर आप खुश रहेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड कि खुश रहना इतना मतलब क्या है कि हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में खुश रहे, बट मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई थी कि नेचर या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे बच्चों की स्माइल बहुत प्यारी लगती है मुझे, या मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, जो भी आपको पसंद है प्लीज़ डेली लाइफ से उस चीज़ के लिए, अपनी हॉबी के लिए ड्राइंग कीजिए, गाने सुनिए अच्छे अच्छे, प्लीज़ उसको ज़्यादा वॉल्यूम में मत सुनिएगा, नहीं तो उससे भी हार्ट अटैक आ सकता है आपको, नहीं किसी और को तो आइडिया रहेगा। ओके, सो अपने दिल को संभाल के रखिए बेसिकली, और कोई भी इस तरह की डाइट मत लीजिए, ऐसा स्ट्रेस मत लीजिए जिससे आपकी लाइफ मतलब आपसे ज़्यादा शायद आपके पेरेंट्स या बाकी लोगों की लाइफ हमेशा के लिए ऑलमोस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ अपने आप को सारी बीमारियों से बचा के रखिए, कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट ना होने दें अपने हार्ट में। और आजकल आ रहा है गाजर, तो गाजर खाते रहिए, पपीता खाते रहिए, टमाटर खाते रहिए, जिससे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।